नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक चावल से बनने वाली डिश लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम वेज पुलाव बनाएंगे। पुलाव अपने आप में एक फुल मील होता है। ये वन पॉट डिश है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू होती है क्योंकि हम इसमें खड़े मसालों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता। और आपको तो पता ही है कि जब ये सब चीज़ें किसी भी खाने में पड़ते हैं तो उसमें टेस्ट के साथ साथ बहुत अच्छी खुशबू भी पैदा करते हैं। और ये खाने में तो टेस्टी है ही, अगर आप अकेले हैं या कभी आपका कुछ ना बनाने का मन हो तो आप इसको झटपट बना सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारी सब्जियों का भी इस्तेमाल करूंगी। वैसे मैं पर्सनली थोड़ा कम सब्जी खाती हूँ, लेकिन आप लोग इसमें और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पौष्टिक आहार है। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं वेज पुलाव। चलिए, पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी बासमती राइस लिया है। ये मेरे घर का चावल है और ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। और इस कटोरी से मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चावल लिया है। ये मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ और इसके साथ मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी। और ये लंच में 3 लोगों लिए सफिशियंट होता है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के आलू लिया है, थोड़े से मटर, बीन्स और काजू, 1/2 चम्मच यहाँ मैंने जीरा दिया है खड़ा, 1 चम्मच यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है, यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 2 तेज पत्ता, 1 छोटी इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 लौंग और 4 काली मिर्च, नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। चलिए पुलाव बनाने का, यहाँ मैंने कुकर में करीब 2 चम्मच देसी घी डाला है और अब हम उसमें जीरे का तड़का लगाएंगे। पुलाव को आप देसी घी में ही बनाइएगा, देसी घी में पुलाव बहुत टेस्ट होते हैं। और अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। अब आलू को हमें मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक भूनना है। आप पुलाव में आलू डाल के जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। क्योंकि आज मैं कोई सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ इसके साथ, तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी होते हैं। बस आप इसके साथ कोई भी रायता बना लीजिए, बूंदी का रायता है, प्याज टमाटर का रायता है। और साथ में आज मैं इसके साथ एक प्याज और टमाटर का सलाद भी बनाऊंगी और उसके साथ तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम इसमें कटे हुए बीन्स डाल देंगे। अगर आपके पास ताजी मटर है तो आप बीन्स के साथ ही ताजी मटर डाल दीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ी सी कड़ी होती है। मेरे पास फ्रोजन की मटर है इसलिए मैंने अभी साथ में नहीं डाला है, क्योंकि वो फ्रोजन की जो मटर होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अब हमें करीब 30 से 40 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पे ही बीन्स को भी भून लेना है आलू के साथ इस तरह से। और हमें इसको चलाते रहना है जिससे कि दोनों तरफ अच्छी तरह से ये हो जाए। अब हम साथ में खड़े हुए मसाले डाल देंगे। मैं कभी भी तड़के में खड़ा मसाला नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो हल्का सा जल जाता है। इसलिए कभी भी अगर आप इस तरह से पुलाव डालिए, खड़े मसाले को बीच में डालिए। साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। और बस अब हमें इसे 30 से 40 सेकंड के लिए ही भूनना है। अब हम इसमें मटर डाल देंगे और बस फिर वही 30 से 40 सेकंड तक फिर हमें मटर के साथ सारी सब्जियों को भून लेना है। अगर गाजर का सीजन है और गाजर आपको आसानी से मिल जाता है तो आप इसमें छोटे छोटे टुकड़े में एक छोटी गाजर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से चला करके, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। आप लंच में भी दे सकते हैं, आप डिनर में भी बना सकते हैं, आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और साथ में अब इसको काजू डालेंगे। काजू आप इस तरह से भी डाल सकते हैं, और अगर आप इस तरह से नहीं डालना चाहते तो आप काजू को थोड़े से घी में हल्का सा भून लीजिएगा और जब पुलाव बनके तैयार हो जाए तब आप इसमें ऊपर से भी मिला सकते हैं, या आपके अपने टेस्ट के अनुसार। अब इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और फिर अब हमें इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिला देना है। कोई भी चीज डालने के बाद हमें कम से कम 30 से 40 सेकंड तक उसको भूनना चाहिए सारी चीजों, जिससे कि उससे बारीक हमें अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इसमें 2 घंटा भीगे हुए चावल डाल देंगे। ये
मैं तीन लोगों के लिए बना रही हूँ लंच में, और ये दो कटोरी चावल तीन लोगों के लिए सफिशियंट होता है। अब चावल के साथ हम सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिला देंगे और करीब हमें 2 से 2.5 मिनट तक इसको हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है, जिससे कि चावल थोड़ा सा जब टाइट हो जाता है अगर हम इसको भूनते हैं, फिर जब हम इसमें पानी डाल के सीटी लगाते हैं तो वो काफी खिले खिले से बनते हैं। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा और नमक डाल करके फिर हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला देंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने 2 से 2.5 मिनट तक इसको भूनना है और जैसे लग रहा है कि चावल कितने खिले खिले से हो गए हैं। अब यहाँ जो जिस कटोरी से हम चावल लेंगे उसी कटोरी का दूना हम पानी डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल लिया था तो मैं उसी कटोरी से इसमें 4 कटोरी पानी डालूंगी। इसलिए आप जो भी नाप लें आप उसी से पानी डालेंगे तो पुलाव काफी खिला खिला बनेगा। या कभी कभी कोई चावल होता है जिसमें थोड़ा कम पानी की जरूरत होती है तो आप चावल के हिसाब से पानी डालिएगा, लेकिन यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल के साथ 4 कटोरी पानी डाला। अब हमें सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला देना है, क्योंकि जब हम कुकर में चावल को भूनते हैं तो नीचे चिपक जाता है। यहाँ मैंने आधा नींबू का रस डाला है और आधी चम्मच यहाँ मैंने देसी घी ऊपर से मिलाई है। चलिए अब हम कुक को बंद करके हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाएंगे। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसके करीब मैंने आधा चम्मच रिफाइंड तेल डाला है और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे बटर डाला है। एक प्याज लेकर के उसको मैंने गोल गोल टुकड़ों में काटा है और एक टमाटर मैंने लिया जिसको थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है और साथ में 2 हरी मिर्च जिसको बीच से फाड़ लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पे इसको बस हमें 1 मिनट तक के लिए ही भूनना है। आप प्याज के छल्ले भी काट के डाल सकते हैं और अगर आप प्याज को भी टमाटर की तरह डालना चाहते हैं तो आप प्याज के बड़े बड़े टुकड़े ही लेकर के डालिए। मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें चाट मसाला, चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक और सारी चीजों को मिला देंगे। गैस अब यहाँ पे आप बंद कर दीजिएगा क्योंकि इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता है। चलिए, पुलाव के लिए खास सलाद बनके तैयार हो गया है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिला देना है और चलिए अब कुकर खोल के देखते हैं कि पुलाव की क्या कंडीशन है। पुलाव बनके तैयार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, घी के साथ खड़े मसाले हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट पड़ा हुआ है, तो सारी चीजों की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है पुलाव से। अब हमें एक बार इसको अच्छी तरह से मिला देना है कि जिससे सब्जियां और चावल आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। इस तरह से मिला दिया, अब चल इसकी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ मैंने प्लेट में पुलाव को निकाल लिया है और साइड में ही थोड़ा सा मैंने सलाद रख दिया है। आप इसके साथ बूंदी का रायता भी बना लीजिए या प्याज टमाटर का रायता, लौकी का रायता, जो भी रायता आपको पसंद है आप इसके साथ रायता बना करके और इस तरह से इसको सर्व कीजिए। थैंक यू।